सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, क्या आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग को कम नहीं कर पा रहे हैं? जैसे ही फॉलोइंग करने जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे फॉलो हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा आप अपने इंस्टाग्राम से फॉलोइंग लिस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा, तो वीडियो को कम्प्लीट देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ गाइज, यहाँ पे आप लोग फॉलोइंग कर लेते हो 2000-4000, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे 5000 तक भी फॉलोइंग कर लेते हैं, लेकिन उनका फॉलोइंग लिस्ट में जब जाते हैं और यहाँ पे किसी को अनफॉलो करते हैं तो अनफॉलो नहीं होता है। अनफॉलो करने के बाद ऑटोमेटिक से यहाँ पे फॉलो हो जाता है। तो आज की वीडियो में आप सभी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को कम्प्लीट देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। काफ़ी सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी मैं एक किसी को यहाँ पे अनफॉलो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं अनफॉलो कर लिया हूँ। 2596 फॉलोइंग हमारा यहाँ पे इंक्रीज है, लिस्ट है। अब मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ हमारा फॉलोइंग, देखते हैं घटा या नहीं। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाइज, हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व हो गई है। अगर आप भी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं हमारी तरह, तो वीडियो को कम्प्लीट देखना कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूँ आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट लेना है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है 3 बार पर। आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की साइड स्क्रॉल कर लेना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प लिखा हुआ, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करते हो रिपोर्ट प्रॉब्लम फिर से आपको मिलेगा, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने इंक्लूड एंड कंटिन्यू का बटन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपलोड का एक बटन मिलेगा, अपलोड पर क्लिक करके गैलरी ओपन कर लेना है। और जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है अपनी प्रोफाइल का, जो आपकी प्रॉब्लम है जहाँ पर आप ढेर सारे लोग को फॉलो कर लिए हैं, फॉलोइंग ज़्यादा कर लिए हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे सबमिट करते हो फिर आपके सामने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ आपको इंस्टाग्राम टीम के पास अपील करनी है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो गाइज जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर लेना कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत ही आसानी से आपको भी इस तरह से लिख लेना है, सून एज पॉसिबल थैंक्स इंस्टाग्राम टीम, इस तरह से आपको लिखना है गाइज। अब यहाँ पर लिखने के बाद गाइज आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सेंड आइकन मिलेगा, आपको सेंड आइकन पर क्लिक कर देना जो टॉप कॉर्नर पर मिलता है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो गाइज आपकी ये जो अपील है इंस्टाग्राम टीम के पास पहुंच जाएगी, जो इंस्टाग्राम टीम है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल भी 110% मदद करेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से करके आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा वेट कर लेना है, या फिर वेट करने से पहले आपको एक काम और कर लेना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो पर क्लिक करना है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टोरेज एंड कैच लिखा हुआ, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्लियर कैच करना है सबसे पहले, और इसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिलेगा क्लियर स्टोरेज, आपको क्लिक करके आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है। लेकिन गाइज काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम से प्राइवेसी जैसे चैट वगैरह है सब यहाँ से डिलीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल सेफ रहेगा, बस यहाँ से आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। अगर आपको पासवर्ड पता है तभी आप क्लियर स्टोरेज करिएगा, अगर नहीं पता है तो आप क्लियर कैच कर लीजिएगा। अगर क्लियर स्टोरेज करते हैं तो आपका अकाउंट यहां से लॉग आउट हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। सो गाइस जैसे ही आप यहां पे ओपन करते हैं, अब यहां पे आप देख पा रहे हैं हमारा अकाउंट बिल्कुल भी लॉग आउट हो चुका है। अब यहां पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा, लेकिन अभी आपको लॉगिन नहीं करना है, 24 आवर्स वेट करना है। 24 आवर्स वेट करने के बाद यहाँ पर लॉगिन करिएगा, आपकी प्रॉब्लम 110% सॉल्व हो जाएगी। कुछ इस तरह से मैंने भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यस, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।